जापान दे विच एक फकीर होया, बड़ी बुद्ध तबीयत दा फकीर सी। बुद्ध तब या बुद्धिज्म एक धर्म नहीं है, इट इज़ अ सेक्ट। एंड बुद्ध तब दा बेसिकली मतलब हुंदा सी, किसे भी बंदे नू बोधी कह देने ना जिन्हों, उहदा मतलब हुंदा जागिया होया इंसान। जिहड़ा बंदा होश पूर्वक जिंदगी जींदा उहनू असीं बोधी कहने आ, राइट। सो इट इज़ नथिंग टू डू विद एनी रिचुअल सेरेमनीज और समथिंग लाइक दिस। द पर्सन हु लिव्स कॉन्शियसली इज अ बुद्ध। एंड बुद्ध ने, बुद्ध ऐसे करके कहा जाता सी क्योंकि उन्होंने एक जागे हुए इंसान दिया निशानियां दसियां और खुद वो जागे। और ये जड़े फकीर सी इन्हों के बड़े शिष्य सिगे, बड़े चेले सिगे। पर इस तरह होंदा सी कि वो एक चोरी करते सी थोड़ी देर बाद, ते उन्हां नू कारावास च पाया जांदा सी। सारे उन्हां दे चेले बड़े परेशान होंदे सीगे कि इन्ना फकीर तबीयत दा मालक बंदा ते चोरी करे, ते दोनों गल्लां दे विच कोई तालमेल नहीं बैठता कि एक फकीर ते दूसरे पासे चोरी, और ना ही कोई कारण लगदा सीगा कि चोरी है बंदा क्यों करदा है। और चोरी भी जड़ी करदा सीगे वो बड़ी छोटी मोटी चोरी करदे सी, कोई बहुत वड्डी चोरी नहीं सी करदे कि जिहदे लई कोई बंदे नू बहुत मटीरियलिस्टिक गेन हो जावे, इस तरह दा भी कुछ नहीं सी। बड़ी वारी जड़ी उहनां दे आसे पासे जड़े लोग सी वो मन्नण नू तैयार नहीं सी हुंदे, पर उन्हां दी चोरी दे अगेंस्ट गवाह भी मिल जांदे सी, सबूत भी मिल जांदे सीगे। इस करके उन्हां नू कारावास दे विच जिहड़ा पाया जांदा सीगा ते दंड दित्ता जांदा सी। हौली हौली करके बहुत सारे साल निकल गए, उह फकीर जिहड़ा सी बुढ़ा हो गया। हुण उहदे शिष्य कहण लगे कि हुण सारी उम्र ऐ उपद्रव कीता, तुसीं सारी उम्र यह काम कीता, हुण यह काम नूं छड्ड दो। एक तो साडी बेइज्जती बड़ी हुंदी है, एक तुहाडी सेहत नहीं रही, शरीर नहीं रहा, हुण तुहानूं जो चाहिदा सी तुहानूं प्रोवाइड करांगे, सानूं तो अज तक समझ नहीं आई कि तुसीं चोरी जिहड़ी है करदे क्यों हो। पर उह फकीर अगों जवाब दिंदा है कि जिन्नी देर तक मैं जिंदा वां, यह मैं करना ही करना है। क्यों करना है, उहदा जवाब वो यह देंदे ने कि जिहड़े अंदर चोर ते क्रिमिनल लोग बैठे ने, वो पापी घट ने पर बेहोश ज़्यादा ने, अनअवेयर ने। वो उहनां नूं समझ नहीं है कि वो की कर रहे ने। और जे मैं अंदर साधु बन के जावां, गुरु बन के जावां, ते कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि जिहड़ा संबंध है ना वो हमेशा अपने वर्गे बंदियां नाल बनता है। ते जदों वो कनेक्शन नहीं बनता, वो संबंध नहीं बनता, जदों मैं वो गुरु दी हैसियत नाल अंदर जाना वा, ते मेरे ते उहनां दे दरम्यान फासला आ ही जांदा है। ते जदों मैं चोर बन के जाना, कारावास काली कोठरी च रहना, जंजीरां नाल बन्या होना, ते मेरी भाषा उहनां दी भाषा वर्गी उहनां नूं लगदी है, ते मैनू भी उहनां दी भाषा समझ आउंदी है, ते मैं भी उहनां नूं उह चीज़ समझा सकदा वां जिहड़ी कि मैं समझाना चाहना वा। इस करके जिन्नी देर तक मैं जिंदा वा, ये मेरा जाना जड़ा वै कोई नहीं रोक सकता। सो दे नीड मी द मोस्ट। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस रिहैबिलिटेशन सेंटर टू ऑल्सो, वेयर डॉक साहब अंगेज द रिहैबिलिटेटेड हिज पेशेंट्स टू कौंसल, टू एनकरेज the newly admitted or the people who are addict or who are on the recovery. Why? Because one is, pehli gal te jehda banda os cheez chon khud niklya
ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਵੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਗਿਲਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ, ਹੀ ਕੈਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਿਦ ਦਾ ਪਰਸਨ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ੇਮ ਇਨਵੋਲਵ, ਨੋ ਗਿਲਟ ਇਨਵੋਲਵ, ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਾਰਟ ਆਊਟ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਫ ਦ ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮੀ ਕੈਨ ਰਿਕਵਰ, ਦੈਨ ਸੋ ਕੈਨ ਆਈ ਰਿਕਵਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ to reinstate, to interact with the people who are a step higher on the recovery than you. Thank you so much.